please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दलित हिंसा की कई खबरें आपने सुनी होंगी। जब आजादी के 70 साल बाद भी जहन से वो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं गया तो गुलाम भारत के दौर में तो चीजें और भी बदतर हुआ करती थी। तब इंसान की पहचान उसके काम से नहीं बल्कि उसकी जाति से हुआ करती थी। दावा है कि इस भेदभाव से भीमराव आम्बेडकर भी अछूते नहीं थे, बल्कि इंतहा तो ये थी कि स्कूल में उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था। क्या स्कूल में प्यासे रहते थे भीमराव आम्बेडकर? डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर एक दलित परिवार में जन्मे थे। एक ऐसी जाति जिसके लोगों का जन्म ही ऊंचे तबके की मनमानी का शिकार बनने के लिए हुआ था। आम्बेडकर जिंदगी के शुरुआती दौर में ही इस कड़वे भेदभाव को महसूस कर चुके थे। एक खबर का दावा है कि भीमराव आम्बेडकर को स्कूल में पानी नहीं मिलता था, वो पूरे दिन प्यासे रहते थे। इसलिए नहीं कि स्कूल में पानी का इंतजाम नहीं था, बल्कि इसलिए स्कूल में पानी का नल था लेकिन उस पर ऊंची जाति के छात्रों का हक था। आम्बेडकर जैसे दलित नल को छूकर उसे मैला नहीं कर सकते थे, लिहाजा आम्बेडकर को पानी पिलाने का जिम्मा स्कूल के चपरासी का था। दलित छात्र होने की वजह से आम्बेडकर को दूसरे छात्रों से अलग रखा जाता था। टीचर उन पर बहुत कम ध्यान देते थे, उन्हें क्लास के अंदर बैठने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि अगर उन्हें पानी भी पीना होता था तो ऊंची जाति का छात्र ऊपर से पानी डालता था, क्योंकि ना तो उन्हें पानी छूने का हक था और ना ही वो घड़े को हाथ लगा सकते थे। आम्बेडकर के लिए ये काम स्कूल का चपरासी करता था, पर अगर चपरासी नहीं होता था तो आम्बेडकर को स्कूल में पूरा दिन बिना पानी के ही निकालना पड़ता था। आम्बेडकर ने बाद में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है, चपरासी नहीं पानी नहीं। क्या स्कूल में भीमराव आम्बेडकर को प्यासा रखा जाता था? क्या चपरासी के बिना पानी नहीं पी सकते थे आम्बेडकर? सच का पता लगाने के लिए हमने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की कुछ किताबें खंगाली। हमें आम्बेडकर की एक किताब वेटिंग फॉर अ वीजा मिली। एक दलित होने की वजह से आम्बेडकर को क्या क्या अत्याचार सहने पड़े, ये किस्से आम्बेडकर ने खुद अपने हाथों से इस किताब में लिखे हैं। वेटिंग फॉर अ वीजा में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने स्कूल में पानी को लेकर होने वाले भेदभाव पर लिखा है। स्कूल में जब ऊंची जाति के छात्रों को प्यास लगती थी तो वो नल के पास जाते थे, उसे खोलते थे और अपनी प्यास बुझाते थे। उन्हें सिर्फ टीचर की इजाजत लेनी होती थी, लेकिन मेरी स्थिति अलग थी। मैं नल को नहीं छू सकता था। जब तक कोई स्वर्ण नल को नहीं खोलता था तब तक मेरे लिए पानी पीना नामुमकिन था और मेरी स्थिति में सिर्फ टीचर की इजाजत ही काफी नहीं थी। स्कूल के चपरासी का होना भी जरूरी था, क्योंकि वो ही इकलौता शख्स था जिसे क्लास टीचर ये काम सौंपता था। अगर चपरासी नहीं होता था तो मुझे बिना पानी पिए ही रहना पड़ता था, यानी चपरासी नहीं तो पानी नहीं। पानी से संबंधित तो निश्चित तौर पर भेदभाव किया जाता था, उसके शिकार थे डॉक्टर अंबेडकर एज ए स्टूडेंट। जैसे मान लिया एक घड़ा रखा हुआ है, उनको कोई तीसरा आदमी जिसे आप चपरासी कर रहे हैं वो पानी पीने के लिए देता था, पानी नहीं आएगा तो अपने से अगर वो पानी लेकर के पीते हैं तब तो जो है मतलब दूसरा ही संकट उत्पन्न हो जाएगा। वेटिंग फॉर अ वीजा में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने अपने साथ हुई एक और ज्यादती का वाक्य लिखा है। मैं जानता था कि स्कूल में अपने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद मैं दूसरे बच्चों के बीच नहीं बैठ सकता था। मुझे क्लास के एक कोने में बैठना होता था। मुझे पता था कि बैठने के लिए मुझे अपने साथ एक कपड़ा लेकर आना था। स्कूल में सफाई करने वाला नौकर भी मेरे उस कपड़े को नहीं छूता था। मुझे वो कपड़ा शाम को अपने साथ घर ले जाना होता था और फिर वापस अगले दिन उसे साथ लाना होता था। डॉक्टर अम्बेडकर आए और नौकरी करने लगे, लेकिन चपरासी भी उनके साथ में ऐसा व्यवहार करता था अछूत की तरह, और जो फाइल टेबल पर नहीं ऊपर से फेंकता था। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में स्कूल में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को पानी ना मिलने की खबर सही साबित हुई है।